सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन सबको दिख रही है, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, ओके। तो आज हमारे क्वांट की फर्स्ट क्लास, दिस इज अ क्वांट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख के मत सिलेबस, अभी हमारे पास मैक्सिमम 7 days है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका पेपर 15 तारीख को है, ठीक है, जिनका पेपर 15 तारीख को है, 15 जुलाई को है, उनके लिए हमारा, उनके लिए हमारे पास 7 days मैथ्स बचे हैं। एडमिट कार्ड आपके आगे प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दूँ कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं कि नहीं आए, जस्ट इन्फॉर्म मी एडमिट कार्ड आ गए हैं कि नहीं आए, नहीं आए, ओके। तो दिस क्वाइट अनप्रोफेशनल सा, अजीब सा है, बिकॉज एक हफ्ता रह गया आपके पास, कोई एडमिट कार्ड रिलीज कर देने चाहिए थे, एडमिट कार्ड नहीं आया। पहले तो हम समझते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है। अभी आप 2 सेकंड के लिए प्लीज अपना माइक, अपना कमेंट्स बॉक्स प्लीज अभी चुपचाप, अभी आप लोग प्लीज पैटर्न पे आइए। पैटर्न क्या है कि कौन आपका GS3 का पार्ट है, सॉरी GA3 का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ GS जो आपके जनरल सेशन 3 होने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड द्वारा, उसमें आपका आएगा। उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि आपको, आपको 75 questions आएंगे, यू विल बी गिवन 75 questions, ठीक है, यू विल बी गिवन 75 questions, जिसमें आपको 60 questions अटेम्प्ट करने, 60 questions अटेम्प्ट करने हैं, यू विल बी गिवन 60 minutes, ठीक है, यू विल बी गिवन 60 minutes फॉर। इसका मतलब, प्लीज माइक ऑफ करो, प्लीज ये माइक बार बार ऑन मत करो, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। You will be given 60 minutes to attempt best 60 questions out of 75 questions. इसका मतलब क्या है कि अगर आप 75 questions में अपने best 60 questions चुनोगे, तो इसका मतलब कि आपके पास 1 मिनट से भी कम समय रहेगा हर क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है, ये बात आप बात समझ लो कि यू विल बी, आपके पास 1 मिनट से भी कम समय होगा हर क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको बेस्ट 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75, ठीक है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, GK भी आएगा, क्वांट भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, मोटा मोटा ये टॉप 4 topics हैं। अभी प्लीज क्वेश्चन रेज हैंड मत करो, बाद में अपने जो भी डाउट से पूछ रहे, ठीक है, मैं अभी जनरल 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से कितने आएंगे, एंड GK के कितने आएंगे, वी हैव नो नॉलेज एज ऑफ नाउ, ठीक है। एक बार एंटी ने कोशिश भी की थी, लेकिन उसको अपडेट कर दिया था कि उन्होंने फिर वो रैंडमनेस दे दिया कि अभी भी हमें नहीं पता कि कितने क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं अगर 75 questions हैं और 4 to 5 subtopics हैं, तो अराउंड 15 to 20 questions पर टॉपिक आपके आ सकते हैं। ये एक वेग सा, एक रैंडम गैस है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट शिफ्ट में क्या पेपर आता है जो 15 जुलाई को होने वाला है, ठीक है, उससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हाउ NTA इज टेकिंग द पेपर। तो मान के चलते हैं अगर आपके 15 से 20 questions सब में आते हैं, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, चाहे वो GK में हो, 15 से 20 questions आते हैं, चाहे वो क्वांट में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, सेम फॉर गोल्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है, 15 से 20 questions बीच में, तो आपकी अप्रोच क्या होनी है ये क्लियर माइंड में रखो कि अप्रोच मेरी क्या रखनी है, ठीक है, क्योंकि आप तो मेनली JNU टारगेट कर रहे हो, और JNU नहीं है तो आपका DU तो टारगेट है, ठीक है, और बाकी BHU में भी आपको सेक्शन 3 में जनरल एप्टीट्यूड आपके काउंट होना ही होना है, और बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपका काउंट होना है। तो आपकी अप्रोच क्या है, हम पहले उस पर बात करते हैं, फिर सिलेबस पे आएंगे। तो सबसे पहले तो अपना करंट अफेयर्स अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, कोशिश किए करो कि लास्ट 6 months के करंट अफेयर्स आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए, ठीक है, ऑन द टिप्स आपके लास्ट के 6 months के करंट अफेयर्स ऑन द टिप्स होने चाहिए, चाहे वो अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, कुछ भी हो, आपको वो ऑन द टिप्स होने चाहिए। फिर GK बहुत वेग होता है, बहुत फास्ट होता है, GK बहुत वेस्ट वे होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, एवरीथिंग अंडर द GK, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे क्वालिटी है, ठीक है, ज्योग्राफी है, क्योंकि इससे आपके फैक्चुअल सवाल बन जाते हैं, फिर आपका हिस्ट्री है, एटलीस्ट ये 3 से 4 topics आपको याद होने चाहिए, मतलब इनके जो क्लास 8 standard की किताबें हैं, यू गो फॉर इट, आप उनको पढ़ो, एक दो बार रिवाइज करो, NCERT उठाओ, NCERT की साइंस की किताब पढ़ डालो, ठीक है, यू विल बी एबल टू डू अराउंड, अगर फिर 20 questions आते हैं तो आप आराम से 15 questions कर दे जाओगे अपने NCERT से इनको कवर किया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, क्वांटिंग रीजनिंग पे, ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करना, देखो
कॉन का सिलेबस बहुत ज्यादा ही वेगनेस में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर मैं कॉन के सिलेबस की बात करूँ तो कॉन का सिलेबस इन्होंने सिर्फ सिर्फ दिया है, एक अरिथमेटिक दिया है इन्होंने अपने सिलेबस पे, फिर इन्होंने ज्योमेट्री दिया है, फिर उन्होंने मेंस्ट्रुएशन दिया है, और फिर उन्होंने बाद में स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर दिया है, ठीक है। यही आपको कॉन का सिलेबस आपको मेंशन किया है, और एक छोटी सी एक टॉपिक भी लिखा हुआ है कि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये कौन का इन्होंने एक मोटा मोटा सा इन्होंने वेग सा रीजन दिया है। रीजनिंग में उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ, विच इज स्टैंडर्ड क्लास 8। क्लास 8 का इन्होंने स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ, रीजनिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड मेंशन भी नहीं किया हुआ था। अभी आप प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप भी आप एकदम से भागोगे तो एकदम से भागने पे नहीं होगा, प्लीज 2 मिनट समझो, ठीक है। अलजेब्रा भी आपका मेंशन करेगा, तो ये मोटा मोटा आपके टॉपिक्स हैं कौन क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज आवर टॉपिक्स, ठीक है। हमें कौन में क्या क्या पूछ सकती है, पहले तो हमें वो समझना है। देखो सबसे पहले तो आप क्लास 8 का कोई सा भी बोर्ड, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो SSC बोर्ड हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप सिलेबस उठाओ एंड लुक द टॉपिक्स। अब टॉपिक्स को आप देखोगे, ठीक है, टॉपिक्स क्या है मेटा मोटा, तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स आपके परसेंटेज हैं, परसेंटेज आपका टॉपिक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका टॉपिक होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट SICI टॉपिक होगा, आपका एवरेज टॉपिक होगा, ठीक है, फिर आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड आपका टॉपिक होगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कुछ अलग से टॉपिक नहीं होता है, वो एक कॉम्पिटिशन वो टाइम एंड वर्क के नाम पे आता है, ठीक है। फिर आपका पार्टनरशिप टॉपिक होगा, आपका मिक्सर्स एंड एलिगेशन आपका टॉपिक होता है, ठीक है, फिर आपका रेशियो एंड प्रपोजन। प्लीज स्क्रीन में मत देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, जो बच्चे स्क्रीन में देख रहे हैं मत करो ये सब, ठीक है, ये आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपका जो आपका SCM हो गया, NSCF हो गया, फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है। तो दिस इज ये जो आपका पार्ट है, दिस इज जो अरिथमेटिक पार्ट है, इसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं, इसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बोला है वो आपका अलजेब्रा बोला है, फिर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स बोला है। स्टैटिस्टिक्स में आपकी प्रोबेबिलिटी भी आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, ठीक है। प्लीज माइक क्यों आप लोग को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, हर्ष कुमार क्यों माइक ऑफ ऑन कर रहे हो? अगली बार से माइक ऑन करोगे मैं प्लीज क्लास से बाहर निकाल दूँ, कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, और अभी डिस्टर्बेंस होने का टाइम नहीं है आपके पास। फिर आपका मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसमें 2D स्ट्रक्चर भी है और 3D स्ट्रक्चर भी। अगर आप क्लास 8 के NCERT उठाओगे तो उन्होंने 2D स्ट्रक्चर पूछा है। 2D स्ट्रक्चर क्या होते हैं? 2D मतलब जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, या आपके ट्रायंगल हो गया, या आपके 2D स्ट्रक्चर है। 3D मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, कोन हो गया, ठीक है, ये सब आपके सिलेंडर हो गया, ये सब आपके 3D स्ट्रक्चर है। उन्होंने दोनों मेंशन किया हुआ, ठीक है। अगर आप क्लास 8 की CBSE बुक की NCERT उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2D 3D दोनों आता है। फिर आपका अलजेब्रा हो गया, तो साथ आपका ज्योमेट्री हो गया। अब क्लास 8 की ज्योमेट्री अगर आपने उठाई होगी या कभी देखी होगी, खुद कभी ऑफिस या स्कूल में किया होगा, तो उस समय सिंपल सा एक टॉपिक बनता है, जहाँ पे आपको कंपस से आपको कंपस से आपको ज्योमेट्री के मेजरमेंट दिए होते तो आपको डायग्राम बनाना होता था, ठीक है। वो तो नहीं पूछेंगे। इसका मतलब देखो, फिर बच्चे किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, नहीं समझ में आता यार, सिंपल चीज नहीं समझ में आता। तो इसका मतलब कि हमें अप्रोच क्या रखनी है। अभी यहाँ पर 7 दिन है, व्हाट इज आवर अप्रोच। अभी अप्रोच आपकी सिंपल सा है कि जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स है, जो हमारे मेन मेन टॉपिक्स है, हम उसको कवर करें। पहले पहला टॉपिक आता है हमारा परसेंटेज। हमें पता है कि परसेंटेज का सवाल बनना ही बनना है, हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस सवाल बनना है, SICI सवाल बनना है, एवरेज से सवाल बनना है, ठीक है, टाइम एंड वर्क सवाल आपको बनना ही बनना है, ठीक है। ये आपके मोटा मोटा टॉप 5 टॉपिक्स हो गए, प्लस एडिशन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप पहले इन टॉपिक्स को कवर कर ले तो उसके बाद आप रेशियो प्रोपोर्शन पे फोकस करोगे, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन, सिंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट या जो भी मेथड होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका होता है, तो इतना फिर बचता नहीं रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है।
इसके अलावा अब ज्योमेट्री उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो अब मान के चलो कि एक सवाल ज्योमेट्री से आना ही आना है, प्लस एजेब्रा उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है अपने सिलेबस में, तो वो आपका आना ही आना है। फिर उन्होंने मेंसुरेशन मेंशन किया। अब मेंसुरेशन में टॉपिक बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर आप क्लास एट स्टैंडर्ड तक देखोगे तो बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वही आप टेंथ स्टैंडर्ड तक जाओगे क्वेश्चन बहुत वास्ट हो जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से, ठीक है। एलजेब्रा में आपको आइडेंटिटीज पे फोकस करना है, मतलब जो फॉर्मूलेज दिए हैं, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, तो इनकी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी से सवाल बनेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सवाल आपके पास एक मिनट से भी कम समय है, तो एग्जामिनर को ही पता है कि मैं जो मुझे वो सवाल देना है बच्चों को जो वो एक मिनट से कम कर पाए, तो वो कैलकुलेटिव सवाल बहुत कम पूछेंगे जिसमें आपके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा होगा, अब वो एक लाइन या दो मिनट या दो सेकेंड का क्वेश्चन होगा, तो वो वही पूछेंगे, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली बात आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने स्टैटिस्टिक्स मेंशन किया। स्टैटिस्टिक्स में देखो वो सवाल आपके प्रोबेबिलिटी से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी से ही पूछ सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। इनमें इन तीनों में से वो आपके सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन टाइम टेकिंग टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें एक आपको डेटा दिया हुआ, जो भी डेटा देंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपके चार से पाँच क्वेश्चन बनते हैं, तो वो या तो ऐसा कोई ग्राफ दे देंगे जो आप देख के आंसर निकाल दो, ऑन द स्पॉट आंसर देख के निकाल दो, या तो वो सवाल नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, पहले तो आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, ठीक है। बाद में किसी बड़े चैप्टर्स या किसी अन चैप्टर्स पे आपको जाना है, क्योंकि अभी 7 दिन बचे हैं, तो आपको कम से कम 8 दिन में 2 टॉपिक्स तो निपटाने ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को जिनका पेपर 15 तारीख को है, कि ये उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपकी अप्रोच क्या है, अब मैं अप्रोच पर थोड़ा सा बात करता हूँ। फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, फिर फोकस करो एनसीईआरटी पे या आईसीएसई बुक पे, कोई सी बुक उठा दो जो बेसिक बुक है, क्योंकि एनटीए पहली बार पेपर करवा रहा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक वाइल्ड गैस है कि वो अपनी बुक्स के अपार कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, और सीबीएसई के पास कहीं नहीं जाएगा। तो फोकस आपको एनसीईआरटी बुक्स पर करना है, पहले एनसीईआरटी बुक्स पर डालो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है, अगर आपके पास टाइम अभी बचा है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कहाँ सॉल्व करोगे, आपका क्लास 8 में एक पेपर होता है एनटीएससी, ठीक है। जो बच्चे क्लास 8 में एनटीएससी दिया होगा उन्हें पता है कि क्लास 8 में एनटीएससी एक पेपर होता है। इसके अलावा जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं वो आप वहाँ से पता कर सकते हो। इसके अलावा SSC CHSL आप मार्केट जाओ, 10 ईयर के पुराने कोई क्वेश्चन पेपर उठा के ले आओ, शिफ्ट वाइज उठा के ले आना और स्टार्ट सॉल्विंग। प्रीवियस ईयर पेपर आपको NTSC और इनके लगाने हैं, लगाने ही पड़ेंगे। फिर गो फॉर एनी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, बट स्टैंडर्ड बुक्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो कोई सी बुक हो, गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन अप्रोच आपकी ये है कि आप पहले NCERT से अपने कॉन्सेप्ट पूरे कम्प्लीट करो, फिर आप प्रीवियस ईयर से अपने आप को चेक करो कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गो फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो आप मान के चलो कि आपने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा, ऑलमोस्ट आपने एक ही टाइप पढ़ा, लेकिन अगर आपने 10 टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं 10 बार, तो दैट विल बी गिव यू मोर मार्क्स, दैट विल गिव यू 4 मार्क्स, ठीक है। इतना टाइम मिलेगा क्या, मैं बता तो रहा हूँ अब बिल्कुल, अभी आपको 60 मिनट्स का पेपर है आपके पास, आप फोकस करो, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। अब जो बच्चे बोले इतना टाइम मिलेगा, आप एग्जाम वेट के चैनल पे जाओ, एग्जाम वेट के चैनल पे मैंने जब पेपर आया था आपका NTA का, जब नोटिफिकेशन आया था, अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आपके अप्रोच कौन को लेकर क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आपकी गलती है, 2-3 मैंने पुराना वीडियो, ठीक है। तो ये हो गई बात, अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग, अप्रोच के रिगार्डिंग। फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं आप लोग को 7 दिन के अंदर कोशिश ये करूँगा कि जो मेन टॉपिक्स है उनको कवर कराऊँ, ताकि वो आपके हो जाए, बाकी आपको अलग से खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
है, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप 7 7 दिन में अगर आप कम से कम 8 घंटे देते हो, अगर आप 8 घंटे देते हो तो आप सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है सर, आप डेली क्लास हो गए ना आज से, मैं कोशिश करूँगा डेली क्लास देने की, ठीक है, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा डेली क्लास देने की, बिकॉज मेरे भी ऑब्वियसली हम लोग भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं कि हमारे और भी अदर क्लासेस हैं, बट आई विल ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं बात करूँगा मंदीप सर से, इफ आई कैन टेक क्लास एवरी वीक तो मैं कोशिश करूँगा आपकी रेगुलर क्लास। एनी आइडिया हाउ मच क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम? मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड यू शिरा जी कि 15 to 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उत्तर कोशिश करंट अफेयर से क्वेश्चंस कम बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है करंट अफेयर से क्वेश्चंस कम बनेंगे, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से, उसके अलावा वो जीके से भी कम बनेंगे, तो मेन फोकस होगा कौन को रीजन पर होगा सर, जो टॉपिक्स उन टॉपिक्स से बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, बेसिक क्वेश्चन से आएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि गो फॉर NTSC, आप NTSC उठाओ, NTSC से कम आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कम्प्लीट करता था, ठीक है, NTSC उठाओ, फिर SSC CHSL उठाओ, CHSL के बैरियर आएगा या तो उसके ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, CHSL से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जरूर पढ़ा दूँ, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको तो 5 टॉपिक करा दूँ, इवन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा कराने की, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, तो आप लोग को फोकस मैंने बता दिया, इन 7 दिन में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है NTSC के CHSL पे और लगाना शुरू कर देना अभी से, आज से ही लगा, स्टैंडर्ड बुक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है, अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड आप तभी पढ़ोगे जब आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में परसेंटेज से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने एक ही प्रकार के 100 क्वेश्चन लगा दिए तो आप मतलब ये बाकी टाइप्स आपको नहीं आता है, ठीक है, इसका मतलब कि परसेंटेज आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चे क्या करते हैं मार्केट से बुक ले आते हैं, वहाँ पे 500 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो बच्चे 100 150 क्वेश्चन लगा के 200 क्वेश्चन भी लगा देते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरा तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये सब बात ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपको जब तक टाइप्स नहीं पता है कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वो कहाँ से पता चलता है, वो बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, वो किसी बुक से पता नहीं चलता, बुक्स वाले भी प्रीवियस ईयर उठा के ही समझ में आता है उनको भी कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे हमें बुक छाप, ठीक है सर, तो आप भी हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद हम परसेंटेज भी देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, बीबीसी परसेंटेज और सो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सबको साइड क्लियर है, ठीक है, सबको क्रैश साइड क्लियर है, सबको दिख रहा है ना, कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन प्लीज बता दो, सबको दिख रहा है, देखो अब इसमें पूछते क्या है, हम सिंपल सब बात आते हैं, इसमें पूछते क्या है, इसमें या तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ देंगे, या तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देंगे, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछेंगे, या तो आपसे अमाउंट पूछेंगे, ठीक है, अमाउंट पूछ देंगे, या तो आपसे रेट पूछेंगे, और आखिरी में आपसे टाइम पूछेंगे, और अब एक और सवाल बनता है, वो बनता है डिफरेंस, या तो आपसे डिफरेंस पूछेंगे, इतने ही किस चीज पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड बाउंड्रीज में, इसके अलावा तो नहीं पूछते हैं कुछ, इसके अलावा तो नहीं पूछते हैं, हमने बचपन में फॉर्मूले पढ़े हैं, हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये हमारा वो हो गया, और हमारा अमाउंट क्या होगा, P प्लस SI, दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट, CI क्या होता है, CI के हम फॉर्मूला लगाते हैं A+1 R/N, ठीक है, तो हम इसकी CI निकाल लेते हैं, ठीक है, अब देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है पेपर निकाल, हमारा मकसद नहीं है कि हम स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में आंसर देगा, अगर आप फॉर्मूला भी लगाओ तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आप टेक्स भी लगाओगे तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला बेस्ड लगाने पर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, होती क्या है, अभी आप तो ट्वेल्थ से निकले हो तो आपकी अभी अलग वो फॉर्मूला बेस्ड लगाने पर स्टेप वाइज करने से क्वेश्चन की अलग करनी होगी, हमें वैसा नहीं करना, ठीक है, और हम करेंगे क्या, अब आगे लिखते हैं व्हाट वी विल डू, फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा है कि आपको SI निकालना है, आपको CI निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है,
आपको प्रिंसिपल मिला अमाउंट निकाल, ये चीज हमसे पूछी, और फॉर 2 ईयर्स दिया है, ठीक है, मानो 2 ईयर्स दिया है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दोनों का पोर्शन बनेगा तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स से ऊपर से नहीं पूछेगा, ठीक है, वो नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। एग्जामिनर, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास 1 मिनट से कम कम टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एग्जामिनर कोई पता ही नहीं है कैसे क्वेश्चन सेट करना है आपके लिए, ठीक है। अप्रोच अपनी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड रखनी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिया है प्रिंसिपल, मान लो 10,000 दिया है या 1,000 दिया है, और रेट अगर 10% दिया है, तो आपको बताना है CI क्या है, SI क्या है, ठीक है, SI CI डिफरेंस क्या है, अमाउंट क्या है, ये आपको बताना। तो आप क्या करोगे, पीस पेन एंड पेंसिल दे दो अपने हाथ पे, आप चार गोरे बनाओ, एक गोरा, दो गोरा, तीन गोरा और चार गोरा, ये गोरा बनाओ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये भी रेट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका होगा ए, ये आपका होगा पी, ठीक। ये चीज आपको पहले बना लेनी है अगर कोई 2 ईयर्स पूछ रहा है तो, ठीक है। अब देखो जो आपका SI होगा ना फॉर 2 ईयर्स वो ये होगा, जिस भी ए प्लस ए मतलब 2A। जो आपका CI होगा वो कितना होगा, वो आपका ये होगा 2A प्लस बी। जो आपका अमाउंट होगा वो पूरा होगा, ठीक है, जिस 2A प्लस बी प्लस पी, और जो आपका डिफरेंस होगा, कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो आपका होगा बी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, तब एक बार करके देखते हैं कैसा करना है इस क्वेश्चन को, करके देखते हैं। माना कि प्रिंसिपल दिया है हमारा 1,000, डेट दिया है हमारा 10%, टाइम दिया है हमारा 2 ईयर्स, टाइम दिया है हमारा 2 ईयर्स, हाँ, तो हमें तीन चार गोरे बनाए, एक गोरा, दो गोरा, तीन गोरा, चार गोरा, ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा रेट हो गया। तो प्रिंसिपल क्या था 10,000, रेट क्या है 10%, 10,000 10% कितना होता है 100, 100, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये भी ये था, ये भी ये था, ये था भी, इसका 10% कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो SI क्या हो जाएगा, SI विल बी 100+100 200, CI विल बी 100+100+10 कितना हो गया 100+100+10 कितना हो गया 210। डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इज सी बी 10, एंड अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आपका पूरा होगा, तो 1,000+210 कितना हो गया 1,210, 1,210। इतना सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, टाइप वन है, टाइप वन मान लो, जो भी मान। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको चार चीजें समझा दी, अगर आपको CI पूछेगा तो निकल आया, SI पूछेगा तो निकल आया, अमाउंट पूछा तो निकल आया, डिफरेंस पूछा तो निकल आया, मैंने एक ही चीज में आपको चार चीजें समझाई, सबको समझ में आया, आया ना, बताओ आया कि नहीं आया, ठीक है, सबको आया। अभी ये लिंक खत्म हो जाएगा, दूसरे लिंक में फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है, आप कहीं उसमें, ठीक है सर, अगेन फिर से अगेन एक बार समझा देता हूँ। देखो अगर 2 ईयर्स का पूछा है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, रेट दिया है आपका 10%, प्रिंसिपल दिया है आपका 1,000, ठीक है, आपको बताना है SI कितना है, आपको बताना है CI कितना है, आपको बताना है अमाउंट कितना है, ठीक है, और आपको बताना है डिफरेंस कितना है बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स, अगर हम 2 ईयर्स से कैलकुलेट करें। आप क्या करोगे, आप तीन गोरे चार गोरे बनाओगे, पहला गोरा जहाँ पे आप प्रिंसिपल रखोगे, दूसरा गोरा जहाँ पे आप रेट रखोगे, और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी ए होगा, ये भी होगा। हम एक न एक एक सिंबलाइजेशन कर देते हैं, फिर एक गोरा लाते हैं जिसको हम बी कहेंगे, वो क्या होगा, वो भी इस ए का 10%, ए का रेट रेट परसेंट होगा, आर परसेंट होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, प्रिंसिपल दिया है हमें 1,000, ठीक है, रेट कितना दिया है 10%,
एट कितना दिया, 10%। 10% को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, 1/10 लिख सकते हो कि नहीं सकते, 1/10 लिख दो, 1/10, 1/10। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, फ्रैक्शन जब आप लोग परसेंटेज पढ़ोगे ना, परसेंटेज में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है, वो होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। और आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलना आ गया तो पूरा परसेंटेज आपको आ गया, ठीक है। अदरवाइज 90% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हम कहाँ पे थे, फिर ये हो गया, इसका आपका 10% कितना हो गया, 1/10 कितना हो गया, 100। इसका कितना हो गया, 1/10 कितना हो गया, 100। इसका 1/10 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 रुपये, 10 रुपये हो गया। अब देखो अब हम कैसे करते हैं, अगर हमें SI निकालना है तो SI इज दिस, ये कितना हो गया, 100 + 100 विच इज 200। अगर हमको CI निकालना है, अगर हमको CI निकालना है, CI is this, CI कितना हो जाएगा, 100 + 100 + 10 210, ठीक है, 210। अगर हमको अमाउंट निकालना, अमाउंट क्या, अमाउंट पूरा है, ये पूरा, पूरा कितना हो गया, 1000 + 210 कितना हो गया, 1210। और डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस आपका ये है, डिफरेंस का डिफरेंस आपका 10 है, ठीक है। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, सर डिफरेंस 10 कैसे, सर 10 आप चलो वो छोड़ दो, आप ये देखो अगर SI 200 है, CI 210 है, तो दोनों बीच का डिफरेंस भी तो आप माइनस करो, तब 10 ही आ रहा है। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ एक टी वाला, इसको हम टी वाला डायग्राम बोल दो, कुछ भी बोल दो, कॉम्पिटिशन इन से ही निकलता है, कॉम्पिटिशन फॉर्मूले से नहीं निकलते, कॉन्सेप्ट से निकलता है। आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ 2 सेकंड। देखो प्रिंसिपल है आपका ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर, दिस इज योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको मिटा दूँ तो आपको और समझा, ये जो आपका हो गया ये प्रिंसिपल हो गया, अगर मैंने रेट लगाया 1 साल के लिए, तो ये 1 साल में क्या होगा, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर आपका ये है। जब दूसरा साल के लिए आएगा तो ये होगा, ठीक है, ये रेट हो गया, और ये क्या है, ये आपका दूसरे साल के लिए। अब देखो क्या होता है, SI और CI में क्या डिफरेंस होता है, जो CI होता है, सॉरी जो SI होता है, वो हर साल सेम रहता है, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है हर साल सेम रहता है, ठीक है, सेम एवरी ईयर सेम प्रिंसिपल आपका रहेगा, प्रिंसिपल आपका सेम रहता है। लेकिन CI का प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है, चेंज नहीं, चेंज होता है, ये सेम नहीं रहता है। ये मेन एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है बिटवीन CI एंड SI, ठीक है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस डायग्राम पर अप्लाई करोगे, इस डायग्राम पर अप्लाई करोगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर का SI निकाला, फर्स्ट ईयर का SI निकाला, तो मेरा ये निकलेगा, मतलब अगर 1000 है, इसका 10% का अगर मैं CI निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये होगा कि नहीं होगा, 100 रुपये होगा फर्स्ट ईयर का। और अगर मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर का CI निकालूंगा, तो सेकेंड ईयर के लिए CI निकालने के, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए SI निकालने के लिए प्रिंसिपल मेरा 1000 ही रहेगा, प्रिंसिपल मेरा चेंज नहीं होगा, समझ में आई बात, प्रिंसिपल मेरा चेंज नहीं होगा, तो मेरा दूसरा भी 100 रुपीज ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले साल का इंटरेस्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है, उस पर भी आपका इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का SI एंड CI निकालोगे तो दोनों का SI एंड CI फर्स्ट ईयर का सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आओगे तो दोनों ईयर का, अगर मैं फर्स्ट ईयर इसको मानू, दोनों का SI एंड CI सेम आएगा। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आऊंगा, तो मेरा जो, मुझे इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इस पे तो इंटरेस्ट मुझे मिल ही रहा है,
लेकिन मुझे पुराने साल पे भी इंटरेस्ट मिला है, तब भी मैंने यहाँ पे आर लिखा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको समझ में आई कि सीआई में क्या होता है, मुझे लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट मेरा 100 था तो इस पे भी इंटरेस्ट मुझे 10 रुपए मिलेगा, आपको उसी रेट पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये डायग्राम कॉन्सेप्चुअल कोई ट्रिक नहीं है, एक ट्रिक से कोई डायग्राम नहीं निकला, ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। ठीक है, आप जो चीज फॉर्मूले से पढ़ रहे हो उसको हमने यहाँ पे ग्राफिकली दिखा दिया है कि अगर मेरा प्रिंसिपल पी है तो मेरा फर्स्ट ईयर के लिए इस पे इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, ये मेरा निकल आया फर्स्ट ईयर के लिए। एस आई और सी आई सेम होता है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लिए एस आई एन सी आई चेंज सेम रहेगा, लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर पे आऊंगा तो मुझे फर्स्ट ईयर का के लिए अगर मैं सी आई एस आई निकालूंगा तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा। ठीक है, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन सी आई निकालने के लिए, सेकेंड ईयर के सी आई निकालने के लिए मुझे सेकेंड फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को भी मुझे काउंट करना पड़ेगा, इसलिए मेरा सेकेंड ईयर का सी आई ये होगा। ठीक है, पूरा मेरा ठीक होगा। आपको बात समझ में आई? सबको समझ में आई? ठीक है, किसी को डाउट है? चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। अगर प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया है 5%, ठीक है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, आपको निकालना है एस आई सी आई। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है और आपको अमाउंट बताना है। जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ।